वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटली हमारे बीएसएफ के जो जवान है जो बांग्लादेश बॉर्डर में थे, उनमें से एक को बांग्लादेश से अचानक से 15 से 20 जन आए, वो लोग हमारे एक जवान को किडनैप किया और उसके बाद बांग्लादेश लौट गए। इस बीच में बांग्लादेश के जो बॉर्डर फोर्स है उन्होंने इन लोगों को रोका नहीं। ऑन द अदर साइड ये जो 15 बांग्लादेश के सिटीजन्स थे, ये लोग इंडिया में इलीगली एंट्री लिया और हमारे जो बीएसएफ के जवान थे वो उस टाइम में पेट्रोलिंग कर रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया और एक बीएसएफ को किडनैप करके बांग्लादेश वापस लिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उससे पहले हम लोग एक बार बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका डिटेल्स चेक कर लेते हैं। प्रेजेंटली इंडिया का टोटल बॉर्डर है 15,106.7 किलोमीटर, जिनमें कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया अपना लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है और जो वाटर बॉर्डर है वो 2 कंट्री के साथ शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो टोटल बॉर्डर है वो है आपका 4,906 किलोमीटर, जिसमें मेनली अगर देखा जाए बांग्लादेश सबसे जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया का देखें, इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अगर कोई भी कंट्रीज के साथ वो है बांग्लादेश। और ये जो बॉर्डर है इंडिया के तरफ से, ये बॉर्डर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अपने तरफ से इसका देखभाल करता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें बीएसएफ जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका देखभाल करते हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया वो भी बीएसएफ के अंदर में ही है। एज पर 2018 का फरवरी का जो डेटा है उसके अनुसार बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसमें 2,746.44 किलोमीटर जो बॉर्डर है उसमें ऑलरेडी फेंस डाला गया है, बाकी अभी भी काम चल रहे हैं। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये काम और भी आगे बढ़ा है, ये काम पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टिल गोइंग है और हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर ये पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा भी अगर देखें इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसमें 1,116 किलोमीटर जो है उसमें नदी है। ऑन द अदर साइड अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिवर एक्सचेंज होता है, मतलब जो रिवर बांग्लादेश में भी है इंडिया में भी है, ऐसा अगर हम लोग रिवर को काउंट करें तो हम लोग को 54 रिवर्स मिलेगा जो दोनों कंट्री में बहता है। सो नो डाउट ये जो बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया का ये कम्प्लीटली एक मिक्सचर है, जिसमें अगर आप देखें लैंड है, ऐसा भी लैंड है जहाँ फेंसिंग नहीं है, ऐसा भी लैंड है जिसमें फेंसिंग है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिवर्स है इसमें है। तो नो डाउट ये बॉर्डर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो दोनों साइड से कॉपरेशन का जरूरत है। जो हम इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ है, ऑन द अदर साइड जो बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों का कॉपरेशन चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें ये जो कॉपरेशन है, जब से ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से ये जो कॉपरेशन है ये काफ़ी ख़राब हो गया है। एक टाइम था शेख हसीना, जिस टाइम में उन्होंने अपने तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है उसके अगेंस्ट में खड़े थे और उन्होंने लगभग ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है इसको एकदम ख़त्म ही कर दिया था। मगर आज के डेट में अगर देखें इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज हो रहा है ड्यू टू बांग्लादेश, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म, इलीगल माइग्रेशन और बॉर्डर किलिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो नो डाउट बांग्लादेश गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए। ऑन द अदर साइड हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बांग्लादेश गवर्नमेंट इसको लेके इतना सीरियस नहीं है। तो बैक टू आवर स्टडी, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे ये जो बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स है जो लोग इलीगली इंडिया में घुसे उसके बाद ये कैसे ये बीएसएफ को किडनैप किया इसमें आ जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब इंडिया का वेस्ट बंगाल के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं, उस बॉर्डर में हमारे जो बीएसएफ के जवान थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये रोज होता है, हमेशा ही होता है, क्योंकि वो लोग पेट्रोलिंग करके देखते हैं कि एग्जैक्टली बॉर्डर में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अचानक से उन लोगों को देखने को मिला राउंड अबाउट 15 से 20 जो बांग्लादेशी है वो इंडिया के लैंड में है इलीगली, और वो लोग बाई फोर्स एक बीएसएफ के जवान को किडनैप किया और बांग्लादेश लेके चला गया, फिर उसको डिटेन किया गया वहाँ। तो ये सब सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो कि भैया बीएसएफ के पास तो बंदूक रहते हैं, वो लोग तो गोली कर सकते थे, वो लोग स्टेप ले सकते हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है इसमें इंडिया का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अपने तरफ से जीरो फायरिंग जो पॉलिसी है उन पर कायम है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश में इतना सारा कंडीशन खराब हुआ, जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सेवरेज वे से हर कोई कोशिश किया कि भाई हम लोग इंडिया में आएंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन लोगों का काउंट बढ़ाया गया, मगर एक भी फायर नहीं हुआ इंडिया के तरफ से, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से ये कहा गया कि भाई बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसमें हम लोग जीरो फायरिंग पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग अपने तरफ से फायरिंग नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड जब ये जवान को किडनैप किया जा रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी में है वो लोग अपने तरफ से इसको रोका नहीं, और ये सारे जो इलीगली इन बांग्लादेश से इंडिया है वो लोग फिर से वापस चले गए, साथ में हम लोग का जो जवान है उसको भी ले गए, मगर उन लोग के अगेंस्ट में बांग्लादेश ने भी कोई स्टेप नहीं लिया, जो कि एकदम गलत है। इसके बाद बांग्लादेश के तरफ से हमारे ये जवान को डिटेन किया गया, और BSF के तरफ से नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर जनरल इंस्पेक्टर बांग्लादेश के कंट्री पार्ट को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों के यहाँ से ऐसे जो इलीगली आए इंडिया और हम लोग का जो जवान है उसको किडनैप करके ले गया, आप जल्दी से इसको छोड़ दिया, अदरवाइज हम लोग इसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। आगे फ्लैग मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, और उसके बाद बांग्लादेश के तरफ से ये जवान है इसको छोड़ दिया गया, और ये जवान फिर से इंडिया में वापस आ गया। तो अगर देखा जाए ये सब कुछ जो है इसमें जो गलती था नो डाउट ये बांग्लादेश की तरफ से था, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट अगर अलाउ नहीं करते किसी को इंडिया में एंट्री करने के लिए इलीगली एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ये हो नहीं सकता। ऑन द अदर साइड जब इतना सारा राउंड अबाउट 15 से 20 इलीगली बांग्लादेश के बॉर्डर क्रॉस कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बांग्लादेश के सिक्योरिटी फोर्स कहाँ था? ये सब सुन के आप बोल ही सकते हो कि भाई आप जो बांग्लादेश के ब्लेम डाल रहे हो तो इंडिया क्या कर रहा था। प्रेजेंटली BSF अपने तरफ से जो जीरो फायरिंग पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर ये नहीं करता तो हो सकता है कि इंडिया के तरफ से जब ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम BSF इन लोगों को शूट करे। ऑन द अदर साइड BSF अपने तरफ से जीरो फायरिंग पॉलिसी को ही बरकरार रखा, मगर प्रेजेंटली BSF के तरफ से बोला गया है कि भाई हम लोग ये जो जीरो फायरिंग पॉलिसी है इस पे अभी भी कायम है, मगर आगे जाके अगर बांग्लादेश के तरफ से इसमें कोऑपरेट नहीं करता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होगा। और ये न्यूज़ बांग्लादेश के जो मीडिया है वो लोग भी कवर किया है, वो लोग अपने तरफ से अपना जो सिटीजन है उन लोग को बोल दिया कि भाई आप लोग बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ ट्रैवल मत करो, क्योंकि BSF के तरफ से ये बोला गया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके अगर कुछ ऊपर नीचे होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम BSF अपना जो जीरो फायरिंग पॉलिसी है उस पर कायम ना रहे। तो नो डाउट अगर देखा जाए बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है ये धीरे धीरे खराब हो रहा है। प्रेजेंटली हमारे जयशंकर साहब न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के तौहीद हुसैन से मिले थे, नो डाउट ये जो इंसिडेंट है इसको लेके उन दोनों में डिस्कशन हुआ, आगे दोनों कंट्री मिलके क्या स्टेप लेते हैं ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में जाए 2001 में तो हम लोग ऐसे ही इंसिडेंट फिर से देख पाएंगे। अगर हम लोग 16 अप्रैल 2001 में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि अचानक से बांग्लादेश के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें से 800 पैरामिलिट्री फोर्स इंडिया में घुस गए जोर जबरदस्ती, और हमारे यहाँ का एक गांव था उस टाइम में उसका नाम था पडुआ, उसको कैप्चर कर लिया। जो लोकल सिटीजन्स थे इंडिया के वो लोग डर गए, वो लोग वहाँ से भागे घर छोड़ के, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग वहाँ कैप्चर कर लिया। और वहाँ के जो BSF थे राउंड अबाउट 31 BSF थे वहाँ, उन लोगों को ये 800 जो पैरामिलिट्री फोर्स था बांग्लादेश के उन लोग अपने तरफ से घेर लिया, जिनमें से 16 का डेथ हो गया। और ये डेथ कैसे हुआ, वो लोग बहुत ही तड़पा तड़पा के हमारे जो BSF के जवान थे उन लोग को मारे थे, बहुत सारे का आंखों में गोली चला गया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया बांग्लादेश को उस टाइम में उतना कुछ नहीं बोला, क्योंकि इंडिया बिजी था पाकिस्तान के साथ। उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, जिसके वजह से इंडिया ने उस टाइम में बांग्लादेश को कुछ नहीं बोला, और हम लोगों को हमारा जो 16 BSF सोल्जर्स थे वो खोना पड़ा। हो सकता है कि बांग्लादेश अपना पास्ट का जो इंसिडेंट था वही सोच के फिर से ट्राई कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश के दिमाग में ऐसा कुछ सोच है तो इंडिया इस बार छोड़ने वाला नहीं है। और 2001 का इंडिया और 2024 का इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप देखें इकोनॉमिकली, अगर आप देखें जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है या फिर जो मिलिट्री पावर है उस हिसाब से भी, तो नो डाउट अगर इन फ्यूचर बांग्लादेश जाके ऐसा कुछ स्टेप के बारे में सोचता है या फिर ऐसा कुछ स्टेप फिर से प्लानिंग करता है और उसको एस्केलेट करने का कोशिश करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया से उन लोगों को जो जवाब मिलेगा वो लोगों को सोच भी नहीं सकते प्रेजेंट डेज में। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस देखने हैं, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL को जगह सब्सक्राइब कीजिए। जब भी सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, क्योंकि वीडियोज जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड चैनल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।